राइट में, सॉरी, ये मेरा राइट है, हाँ, यस राइट में. सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, अभी जैसे हमने जो भजन सुना है वो महात्मा गांधी का रघुपति राघव राजा राम से है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपने कुछ वर्ड्स चेंज किए हुए हैं, ट्विस्ट किए हुए हैं कई सारे इन वर्ड्स में, उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्यों जरूरत पड़ी आपको, ओरिजिनल क्यों नहीं रखा आपने इस गाने को? सत्याग्रह के जो अपने देश में जनक थे महात्मा गांधी जी, उनका ये बहुत ही परम प्रिय प्रार्थना थी उनकी, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम. ये पूरे हिंदुस्तान, पूरे सब देशवासियों को ये हमेशा प्रेरित करता रहता है. उसी से प्रेरणा लेते हुए हमने इस प्रार्थना में अपने भी कुछ भाव जोड़े हैं. रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम तो है ही है, लेकिन आज का युवा वर्ग जो है वो कई बार अपने को विचलित पाता है और कहता है कि तुमसे धीरज मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना, सहते जाएं, ऐसा बल भी मत देना, उठकर करने हैं कुछ काम रघुपति राघव राजा राम. और भी कई इसमें प्रेयर्स हैं जिससे कि प्रेरणा ली गई है. मैं प्रसून को, जो इस गीत के जन्मदाता हैं, लेखक हैं, उनको, उनसे आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें. और बेसिकली सत्याग्रह जो फिल्म है वो युवा वर्ग को जोड़ते हुए उनकी जो आज समाज से, देश से, अपने आप से, अपने भविष्य से जो चाहत है उसको ये जोड़ता है, तो उनकी बात भी करनी होगी. और वो प्रार्थना जो है, और ईश्वर की प्रार्थना में तो नए नए शब्द, नए नए भाव जुड़ते ही रहते हैं, वही कोशिश की गई है. पहले तो प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये अवसर मुझे दिया कि इस पर कुछ लिखूं. आपने कहा कि उसमें उसे कुछ हमने चेंज किया, चेंज कुछ नहीं किया. ये शायद आपने सुना नहीं कि सिर्फ रघुपति राघव राजा राम का जो मंत्र है वो वही है, जैसे का तैसा है, उसके आगे और पीछे लिखा गया और नया लिखा गया. कल तक धीरज मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना, सहते जाएं, इतना बल भी मत देना, उठकर करने हैं कुछ काम रघुपति राघव राजा राम. तो आप देखें, रघुपति राघव राजा राम वैसे का वैसे ही, जस का तस आता है, उसके प्रति जो आदर है और सम्मान है वो पूरी तरह व्यक्त होता है, और उसके साथ कुछ और भाव हैं जो इस फिल्म में कहने की कोशिश की गई है, जो प्रकाश जी फिल्म के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इस गीत के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहा हूं. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तब्दीलियां की गई हैं, इसे प्रेरणा को, इसे प्रेरणा मानकर, प्रेरणा स्रोत मानकर एक जर्नी शुरू की गई है, एक थोड़ा सा उसको आगे अभिव्यक्त किया गया. दिस क्वेश्चन इज फॉर मिस्टर प्रकाश झा एंड मिस्टर बच्चन. विथ सो मच ऑलरेडी दिस साइड स्ट्रेट हियर सर, विथ सो मच ऑलरेडी हैपनिंग इन द पॉलिटिकल सिनेरियो, डू यू रियली थिंक दिस सॉन्ग इज रेलेवेंट विद द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन दैट्स गोइंग ऑन? Can you please repeat the question? Yeah, with so much already happening outside in the political scenario, do you think this song is relevant with current situations? This is the director's concept, keeping in mind the story. The story is about a father and a son. A father that has lost his son and a son that is in search of a father. And within that story, there are incidents which inspire a section of the film to be devoted to a movement of unrest, of dissatisfaction, of needs that are not being complied with. And within that story, it was felt that Raghupati Raghav Raja Ram was an apt moment, an apt song, written so beautifully by Prasoonji, to be played. But Mr. Jha, are you on the same answer for me?
sorry? That's exactly, you know, you could also answer this. Sorry? If you could also answer this question. The relevance of this song in today's political, social scenario, it's so obvious because whatever, you know, we have added to the original prayer is the sentiment of today's young people who are restless, who are needing, demanding, and wishing for performance from system, from their elders, from the peers. And that exactly is what we are trying to say through this song. We have taken inspirations from the prayers. Tum Puran Paramatma, Tum Antaryami. That remains the same. But phir kyun hoti rehti hai manmani? So this is what we are trying to kind of like, you know, express through this song. This is another question for Ajay and Kareena. You all have done South remakes of comedy films. This is a realistic film. Do you think what Bollywood make tried and tested formula hai that comedy films are usually South remakes? Repeat the question again, please. Do you think Bollywood make tried and tested formula hai ki comedy films are usually South remakes jo hamesha box office pe prove hoti hai successful? Aise nahi hai. I think there are so many films which are working very well. And they're not South remakes. Sometimes you do get inspired by a film. It could be South, it could be anywhere. They get inspired by our films. They buy rights and make our films. You just don't copy them. And tried or tested formula to kahin bhi nahi. Agar tried or tested formula hamare paas hota, to aaj koi flop banate hi nahi yahin pe. So I think every kind of film which connects with the audience works. करीना जी I don't think Ajay and me have ever done a South remake of any comedy film firstly. I think Golmaal was written by the writers and Rohit. And secondly, I think a good film is a good film which will always work. Irrespective action, drama, comedy, whichever genre. Prakash ji, ek sawal aapse hai. सर ये फिल्म किसी खास मोमेंट से इंस्पायर्ड है? सर इधर सामने खास मूवमेंट? यस सर, क्योंकि सर फिल्म का प्रोमो देखने के बाद हमें कुछ याद आता है, इसलिए सवाल आपसे पूछा मैंने. देखिए ऐसा है कि पूरे विश्व में जहां भी जनतंत्र लोकतंत्र प्रैक्टिस करने की इजाजत है और जहां नहीं भी है, वहां आम आदमी, मध्यवर्गीय आदमी, यंग पॉपुलेशन, वो प्रोटेस्ट कर रहा है. चाहे वो अरब का इस प्रोटेस्ट हो, मिस्र में आपने देखा कि एक सोशल मीडिया के एक मैसेज से सरकार बदल गई इवेंचुअली. हालांकि अभी तक वो प्रोटेस्ट के फॉर्म्स चल रहे हैं, तब तक चलेंगे जब तक कि सद नहीं जाता. ब्राजील में आपने देखा कि लाखों लोग सड़कों पे निकल आए और रातों रात सरकार को अपने पॉलिसीज चेंज करने पे मजबूर किया. यहां आपने देखा कि लगातार प्रोटेस्ट्स, अन्ना हजारे जी का भी प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद जो निर्भया कांड के समय में जो प्रोटेस्ट हुआ उसको मत भूलिए. वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें जो एंग्स्ट है यंग जनरेशन का वो निकल के सड़कों पर आया. किसी राजनीतिक या आइडियोलॉजिकल प्रोपल्शन से नहीं, अपने आप आया और उसने प्रोटेस्ट किया और सरकार को मजबूर किया एक मजबूत एक्ट बनाने के लिए. तो ये चीज हर जगह और जमाने से, महात्मा गांधी के जमाने से, जयप्रकाश नारायण के जमाने से, ट्रेड यूनियन के जमाने से ये प्रोटेस्ट का तरीका तो चलता आ रहा है. तो हमारी फिल्म के अंदर में जो कारण है वो अन्ना हजारे जी के कारणों से नहीं जुड़े हुए हैं, ना ही उस पर आधारित हैं. जो मेथड है वो भी वहां का नहीं है, वैसा नहीं है. जो कहानी है वो भी वैसी नहीं है. इसीलिए मैं कहता हूं कि ये इसका रिफ्लेक्शन वहां से नहीं है. एसेंस
महात्मा गांधी के सत्याग्रह से हो सकता है, अन्ना हजारे के सत्याग्रह से हो सकता है, निर्भया कांड के सत्याग्रह से हो सकता है, अरब स्प्रिंग से हो सकता है, या बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वहां से हो सकता है। ये सारे चीजें आप इन्फर कर सकते हैं। माय क्वेश्चन इज फॉर प्रसून सर। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट म्यूजिक कंपोजर्स एंड डायरेक्टर्स कमिंग एंड वर्किंग ऑन द म्यूजिक ऑफ द मूवी? नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया। मतलब इट्स रियली वाज अ ग्रेट फीलिंग टू वर्क विद डिफरेंट पीपल एंड jam with them and sort of create something which is it's not, I've never done this before. On one hand you're in Indian Ocean, on the other hand Salim Suleiman, and you have Meet Brothers, the young team which I never worked before with, Adesh Shivasa. I think it was a unique experience in that sense, and was conceptualized with by Prakash ji. So but I am thankful to him that he kept me constant, because you know, the thought process to my mind is very important. If you do not keep one thread around, I think probably for my comfort is not that great. So I'm very thankful to him that he kept the thought process in form of me, you know, constant. Kareena, as a fashion diva, what do you have to say about Indian clothes always standing out? Doesn't matter what kind of gowns are there, sari and salwar kameezes would always be the classic fashion. You mean in Satyagraha? I haven't worn a sari in Satyagraha, so I don't know how it's related. No, she hasn't. No, I'm saying about saris and salwar kameezes generally as a fashion diva, if she could talk about that. In a separate interview. Yeah, I think, you know, let's confine ourselves to, you know, relevance to Satyagraha, don't you think so? क्यों परेशान करते हो अमिताभ जी को? ये हमको नहीं परेशान करेंगे तो आपको करेंगे क्या? हमसे तो बच जाएंगे, आपसे नहीं बच पाएंगे। नहीं, फिल्म में जो रोल मिलता है उसके हिसाब से काम करता हूं। अब मैं उसमें क्या ऐड करूंगा, आप क्या सुनना चाहते हो? मैं ऐसे ऐसे मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, ये आप सब लोग जानते हैं। और जब फिल्म बनती है, कहानी होती है, कहानी के हिसाब से जो मुझे दिया जाता है वो मैं करता हूं। अर्जुन सर आपके लिए क्वेश्चन है। डीडे में जो आपने जो किरदार निभाया था उसे काफी सराहा गया, तो इस फिल्म में आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? इसमें अलग ही किरदार है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। अभी डीडे के प्रमोशन से ही निकला हूँ तो उसी किरदार में हूँ इस वक्त, लेकिन बहुत ही अलग किरदार है। आई थिंक प्रकाश जब भी मुझे कुछ भी देते हैं करने के लिए, बहुत ही अलग किस्म का काम देते हैं तो बहुत मजा आता है। तो इसमें भी आप एक बिल्कुल अलग किरदार देखेंगे। एक यंग पोलिटिकल वर्कर है, एस्पायरिंग पॉलिटिशियन है, जो एक पार्टी बनाना चाहते हैं खुद का, और काफी कलरफुल कैरेक्टर है, काफी वॉलेटाइल है, सॉफ्ट हार्टेड भी है, तो आप काफी रूप देखेंगे उनका। करीना, हाय, योर कैरेक्टर इज इंस्पायर्ड, लाइक आई मीन यू प्ले एन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इन द मूवी, सो आई वांटेड टू नो, डिड यू लाइक लुक अप टू एनीबॉडी, लाइक व्हेन यू वर यू नो एसेइंग योर कैरेक्टर, वाज देयर एनी इंस्पिरेशन, डिड यू लुक अप टू एनीवन? हेलो, एंड टू एड टू हर, करीना जी, आपको जर्नलिस्ट का दर्द समझ में आया? बिल्कुल समझ में, बिल्कुल उनको आया ना आया, मुझे तो आया। बट शी इज नॉट एन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, प्रकाश जी प्लीज क्लैरिफाई दैट ऑल्सो। शी इज नॉट एन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट। नो नो, यू आर जस्ट अ मीडिया जर्नलिस्ट। Yeah, hi, this is Sangeeta. I have a question for you, Mr. Jha.
But the character actually hasn't really been inspired by anyone in particular. I think Prakash ji's just written a character of a woman who's totally involved in her work. She's like, that's all she can think of. A woman with dignity and integrity, a strong journalist, top of her game. That's the kind of woman she is in the film. So it's not inspired by anyone in particular, other than Prakash Jha himself. Hi, this is Sangeeta here. I have a question for Mr. Jha. So it seems that it's a very strong political drama. And do you expect anything social changes after people watching the movie? I mean, you expect something out of it? I only expect that people will get entertained, people will get engaged, and people will feel satisfied after seeing this film, that it is their money's worth, it is their time's worth, and it is worth the effort to come and see the film. Apart from that, whatever they take away from the film is a bonus to me. Thank you. Yeah, Mr. Jha, on your right hand side, here. First of all, in an interview you had said that, you know, you are, when it comes to Mr. Bachchan's starrer film, you are extra conscious. So what makes you say so? Extra cautious. I'm extra cautious with every actor. One more. I have to inform them, I have to prepare them. That's my work. Whether it is Amrita ji or Ajay ji or Manoj ji or Arjun or Bachchan sahab, I am on my toes to kind of like, you know, to inform them, to prepare them, to get them ready, to encourage them to ask me as many questions as they can. And once we come to the set, we are all ready and we have a lot of fun while shooting. Last two questions, please. Mr. Jha, again, on your, does this film provide any solution to the, you know, since it, you know, it is against corruption and stuff like that, so does it is not against corruption, it is not against, you know, anything, or and it is not supposed or intended to provide any solution. It is a story, it's a strong story about the relationship between a father-like figure and a son. You know, both, you know, poles apart, both seeking, you know, solace in each other's emotional company, and the angst, which is kind of like, you know, very personal, spirals into a huge social kind of event. And then the other characters, the character of the politician, which is played by Manoj, the character of the rabble rouser, which is played by Arjun Rampal, the character of Amrita, who is a young widow, and the character of Kareena, who is a journalist, who is the conscience of this whole drama. She is the one who will only speak the truth and depict the truth. And in this manner, how these people come together to resolve the crisis of the film. So I am not, you know, trying to start a social jihad or anything of that sort. It's not intended. It's a commercial film. It's a story, and it's been said by these characters who you may identify. Thank you. Kareena, considering you're playing a journalist in this film, if given a choice, you had to ask a question to any one of them or maybe a few of them right now, what would that be? Being a journalist. No, I can't ask for each one of them. I can't think offhand. I can't ask the kind of questions you all ask. I just want to add one thing about the music. Is isme bahut entertainment hai, ye aap samajh le ki bahut tarah ke gaane hai, sare serious hi gaane nahi hai. Ek Adesh Srivastav ji ne bahut hi romantic song kiya, wo bhi hai, aur
बहुत मस्ती भी है गानों में, सो ये मत सोचिएगा कि सारे सत्याग्रह मीन रघुपति राघव जैसे ही हैं, बहुत अलग अलग कलर्स हैं, सो प्लीज ऑल्सो वेट फॉर दैट। मैं अमित सर से एक सवाल पूछना चाहूंगी। सर सर यहाँ पर सामने, यहाँ पर किससे? जी जी सर, अमित सर से, बच्चन सर से। सर यहाँ पर सामने देखिएगा, यहाँ पर, जी जी यहाँ सर। हमने गाना देखा, गाना बहुत अच्छा, झकझोर देने वाला गाना है फिलहाल, लेकिन जब हम छोटे थे रघुपति राघव हम सुनते आए हैं, जाहिर सी बात है आप भी बहुत छोटे हो गए उस वक्त से आपने गाना सुना है, तो कुछ अगर आपकी यादें अगर जहन में हो, अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ तो प्लीज। बाबू जी के साथ कुछ अगर आपकी यादें। जी सर, भारत के जितने निवासी हैं सबके मन के अंदर ये रघुपति राघव राजा राम बसा हुआ है, यही नहीं और बहुत से भी गाने हैं जो स्वतंत्रता के समय हम सुना करते थे, गाया जाते थे, चाहे वो वैष्णव जन हो या सारे जहां से अच्छा हो, ये सब हमारी रगों के अंदर हैं और जितनी भावना ये हमारी फिल्म में पैदा करते हैं उतनी भावना आपके और हमारे मन में भी पैदा होगी। सुना नहीं अब पिताजी के अभी, साथ अभी भी तो बचपन ही है, कहां गया बचपन? मिसेस खा देवी जी बहुत समय लगेगा उसको बताने में, इसलिए आज क्षमा करें। थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल माय एक्टर्स, ऑल माय टीम। वन सेकेंड, धन्यवाद तो करने दे। एंड आई वुड स्पेशली थैंक भूषण फ्रॉम टी सीरीज, प्रसून जोशी जी एंड ऑल माय एक्टर्स, ऑल माय टीम, ऑल द पीपल हु हैव मेड दिस इवेंट पॉसिबल, ऑल द यूटीवी टीम, Ronnie Screwvala, Siddharth, and Shikha, and her entire team. Thank you all very much, and God bless you guys. Salim, Suleiman, please come on the stage. Sorry, we just started this event. Please come on the stage. सर, 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 सर,
तीनों का ही। आप तीनों का फोटो। सर ऊपर प्रश्न तो मिलता है। रसूल जी थोड़ा पीछे जाइए। थोड़ा थोड़ा पीछे बैक। सर सामने। अरे थोड़ा सा पीछे जाइए ना। थोड़ा बैक। यार सीधा स्ट्रेट। लुक योर प्लीज। सत्य आग्रह। सर सर दोनों का। सर सर दोनों का।